आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिसमें आप बिना पासवर्ड के कंप्यूटर या लैपटॉप को ओपन कर सकते हो। सबसे पहले कंप्यूटर या लैपटॉप को दो या तीन बार सडनली रीस्टार्ट करना है। दो या तीन बार रीस्टार्ट करने के बाद में स्टार्टअप प्रिपेयर एक ऑप्शन आएगा, देखिए इस तरह से, इस पर एंटर दबाना है। स्टार्टअप प्रिपेयर शुरू हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। डू यू वॉन्ट टू रिस्टोर योर कंप्यूटर यूजिंग सिस्टम रिस्टोर, इसको कैंसिल करना है, रिस्टोर नहीं करना है, कैंसिल करना है। फिर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट तक। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे और वीडियो पाने के लिए, साथ में बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए। यदि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थोड़ी देर में एक रिजल्ट आएगा स्टार्टअप प्रिपेयर का। हमें कहीं पर क्लिक नहीं करना है, हमें सो प्रॉब्लम डिटेल पर क्लिक करना है और उसको स्लाइड करके नीचे लेके जाना, जहाँ पे हमें एक टेक्स्ट फाइल का एड्रेस मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये टेक्स्ट फाइल का एड्रेस है, इस पर क्लिक करना है, जिसके पीछे .txt लिखा हुआ होगा। बहुत ही सिंपल है, आप भी कर सकते हो। ये नोटपैड फाइल खुल गई है, इसमें फाइल में जाके सेव एज पर क्लिक करना है। सेव एज में जाके हमें यहाँ पे ऑल फाइल करना है, फिर कंप्यूटर में जाके अपना सी ड्राइव ओपन करना है। मैंने डी किया है क्योंकि मेरे विंडोज़ डी ड्राइव में इंस्टॉल किया हुआ है। फिर हमें यहाँ पे विंडोज़ फोल्डर ओपन करना है। विंडोज़ फोल्डर ओपन करने के बाद में हमें यहाँ पे एक और फोल्डर ओपन करना है जिसका नाम है System32। System32 में हमें एक फाइल सर्च करनी है यूटिलमैन, जिस पर राइट क्लिक करके रीनेम करेंगे, रीनेम को कॉपी करेंगे। अब इसके पीछे एक नंबर लगा के इसको रीनेम करेंगे, फिर एंटर दबा के इसको सेव करेंगे, ये सेव हो गई। अब हमें एक और फाइल सर्च करनी है जिसका नाम है CMD, जिस पर राइट क्लिक करके इसको भी रीनेम करनी है। रीनेम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे जो लास्ट में कॉपी किया था वो यूटिलमैन, एंटर दबा के इसको भी छोड़ देंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, इसको भी क्लोज करेंगे और इसको फिनिश करेंगे, हमारा PC रिस्टार्ट हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। रीस्टार्ट होने के बाद में हमें पासवर्ड पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये नीचे कॉर्नर में, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो CMD फाइल ओपन हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है, Ctrl Space User Passwords 2। देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, Ctrl Space User Passwords 2, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद में यहाँ पे ओपन होगा ये, इसमें हमें नीचे रीसेट पासवर्ड लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ओके पर क्लिक करना है, यहाँ पर भी ओके पर क्लिक करना है। इस CMD फाइल को अब क्लोज कर देंगे। अब हमें कोई पासवर्ड नहीं डालना है, सीधा ही एंटर दबाना है, PC ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।